आज हम क्रिएट करेंगे कुछ इस टाइप का स्टेटस वीडियो, देख सकते हो स्क्रीन पर। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यार अभी के समय में इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ये जो बगल में बेल आइकन इसके जो ऑल कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको वीडियो वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको ये 7 सेकंड का इंटर वीडियो ऐड कर लेना है। देन आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इस टाइप का वीडियो क्रिएट करने के लिए टोटल आपको यहाँ पे 13 फोटो को ऐड कर लेना है। एंड यार इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज होगा सब का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो चलिए हम वीडियो एंड फोटो सब कुछ ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इंटर वीडियो देन यहाँ पे फोटो दोनों ऐड कर लिए हैं, तो इस तरह से आपको भी ऐड कर लेने, ठीक है। एंड ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना है, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है। कुछ इस तरह से आने के बाद अब यहाँ पे आपको सॉन्ग को ऐड करना है। सॉन्ग का भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको ऊपर म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस वाला आइकन में जाना है, माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है इजीली ऐड हो चुका है, तो इस तरह से आपको भी ऐड कर लेने। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। एंड अब क्या करना है, आपको फोटो के ऊपर क्लिक करें और फोटो का जो ड्यूरेशन है सबसे पहले आपको सेट कर लेना है। ओके तो फोटो का ड्यूरेशन सेट करने के लिए ऊपर में आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके ड्यूरेशन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये जो है एरो आपको 0.5 सेकंड में कर लेना है कुछ इस तरह से। ओके एंड यहाँ पर डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना है। तो जितना भी फोटो मैंने ऐड किया सब फोटो का ड्यूरेशन यहाँ पर 0.5 सेकंड का ड्यूरेशन में हो जाएगा, तो इस तरह से आपको सबसे पहले कर लेना है। ओके करने के बाद अब क्या करना है, आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो रेशियो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से है, तो आपको रेशियो को सबसे पहले आपको सेट कर लेना है। तो ऊपर में आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करके ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से 50 करके फोटो को कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। सेकंड फोटो के ऊपर आने कुछ इस तरह से, सेकंड फोटो को भी इस तरह से आपको सेट कर लेना है। तो चलिए हम सब फोटो को इस तरह से सेट कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी फोटो मैंने ऐड किया सब फोटो को इस तरह से सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो मैंने सब फोटो को इस तरह से सेट कर लिया, तो आपको भी इस तरह से कर लेने। करने के बाद अब क्या करना है, आपको फोटो में अब यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे पहला वाला फोटो के ऊपर आना है कुछ इस तरह से। आने के बाद ऊपर में आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, एनिमेशन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते कॉम्बो वाला ऑप्शन जाकर आपको यहाँ पे स्पिन फॉल वाले एनिमेशन को सब फोटो में ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। ओके देख सकते हैं यहाँ पे स्पिन फॉल वाला एनिमेशन है, सब फोटो में ये एनिमेशन को ही ऐड कर लेना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो मैंने सब फोटो में एनिमेशन भी ऐड कर लिया, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, अगर आपको जहाँ से फोटो स्टार्टिंग है वहाँ पे आपको आना है कुछ इस तरह से। ओके आने के बाद आपको ऊपर पर टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, आपको एक इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे PIV वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक है तो वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये लाइट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है। इसका भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फुल स्क्रीन पर करना है। देन आपको ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है कुछ इस तरह से। देख सकते हो मेरा लाइट इफेक्ट वाला वीडियो ऐड हो चुका है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक करके फोटो को अब आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक है तो ऊपर में आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन में जाना है और हल्का सा आपको लाइटनेस को घटा लेना है। ओके एंड सैचुरेशन को हल्का सा आपको बढ़ा लेना है। देन आपको यहाँ पे विग्नेट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको शेडो मिलेगा, शेडो का हल्का सा आपको घटा लेना है। ओके
देख सकते हैं यहाँ पे 10 में कर लेने, देन बिगनेट वाला ऑप्शन मिलेगा, बिगनेट को आपको यहाँ पे 50 या फिर 60 में कर लेने हैं कुछ इस तरह से। अब टर्न बिफोर का फोटो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा हो चुका है। देन यहाँ पे डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना है। तो जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगा। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। ओके सो यार फाइनली मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है, तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मेरा जो वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो है बताना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर लेना, एंड वीडियो में कुछ भी डाउट है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब क्या करना, आपको वीडियो को सेव करना है, सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फ्रेम रेट इसको 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लें। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।